आप अपना करते रहिए आंदोलन जो करना है। आप अपना करते रहिए आंदोलन जो करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो एक महामारी है, एक वैश्विक संकट बन गया है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे कई देशों में इसका प्रकोप है। आज जब हर दिन 19,000-20,000 केस आ रहे हैं कोरोना के, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में परीक्षाओं को कराने से तो सनक है। इस सनक का कोई जवाब मेरे पास नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन किस आधार पर परीक्षाएं करवाना चाहता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि कोरोना के संक्रमण काल में अगर परीक्षाएं आप कराने का काम करोगे और जिस तरह संक्रमण लगातार फैल रहा है, किस छात्र को कोरोना अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आज जब ज्ञापन देने की बारी आती है तो चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कहते 4 लोग से ज्यादा मत हो ज्ञापन नहीं देंगे। आप वो मुझे जवाब दें इस बात का कि आपका ज्ञान का इतना भय है कि छात्र परीक्षा देने के लिए यहां बैठा हुआ है, इसका परीक्षा दिलाना चाहते हैं, उसे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। तो हमारी ये मांग है कि संक्रमण काल में परीक्षाएं बिल्कुल न हो, बिना किसी शर्त सभी छात्रों को प्रमोट करने का काम किया जाए, जैसा कि गोवा में, महाराष्ट्र में और तमाम सारे राज्यों में ऐसा हुआ है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि तमाम सारे छात्र किराए पर कमरा लेके रह रहे हैं, उनकी किराए माफी की व्यवस्था बनाई जाए। हम ये मांग करते हैं कि जो कोरोना संकट काल में परीक्षाएं जो शैक्षिक रुका था उनका शैक्षिक शुल्क माफ किया जाए, हॉस्टल में जो नहीं रहे हैं तो हॉस्टल शुल्क का माफ किया जाए। कब से बैठे हैं आप? कब से बैठे हम लोग? बैठे हैं आज लगभग 11:30 बैठे हुए यहाँ पर 11 बजे से, और हमारा जो अभियान चला पिछले 1 महीने चल रहा है, हम लोग घर में बैठ के अभियान चला रहे थे। यहाँ के वीसी महोदय क्या कह रहे हैं? यहाँ के वीसी बोलते हैं क्या? बोल लेते हैं, मुझे नहीं लगता है। कब तक बैठेंगे आप? हमारी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी हम तब तक हटने वाले नहीं है। प्रशासन को जो कार्रवाई करनी है उन्हें हमें गिरफ्तार कर लेना है, हम तो गिरफ्तार कर लेंगे। हम पे मुकदमे लगा दें, हम पे मुकदमे लगा दें, हम उनको बता देना चाहते हैं हमारे मजबूत इदारे इरादे उनके मुकदमे और उनके जेल की दीवार टूटने वाले नहीं है। हम लगातार लड़ने का काम किए हैं, आगे लड़ते रहे। क्या नाम का है? शरद शुक्ला, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस।